सिक्किम में आई विनाशकारी बाढ़ ने दुनिया को तबाही की एक और तस्वीर दिखाई। भारी वेग से बढ़ते पानी के रास्ते में जो कुछ आया सब बह गया। बहाव इतना तेज और ताकतवर था कि सड़क और पुल भी तिनकों की तरह बह गए। आधी रात को आसमान और पहाड़ों से उतरी आफत ने किसी को संभलने का भी मौका नहीं दिया। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। देश और दुनिया के कम 3000 सैलानी भी जहां तहां फंसे हुए हैं। हालत कितनी भयानक है इसका अंदाजा इस बात से हो जाता है कि पूरी की पूरी बसें और घरों की पहली मंजिल तक मलबे में समा चुकी है। विशेषज्ञ माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस बात की बहुत संभावना है कि भारी बारिश के कारण दक्षिणी लोनहाक झील में पानी इतना बढ़ गया कि वो झील के बंध के पार चला गया, या फिर बारिश के कारण भूस्खलन ने झील के बंध को तोड़ा। बारिश ने झील के बंध को खत्म कर दिया और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ। बादल का फटना या भारी बारिश तो एक वजह है, लेकिन ग्लेशियर लेक लोनाक का अपने किनारों को तोड़ देना खास तौर पर ज्यादा घातक साबित हुआ। इतनी भारी मात्रा में पानी जब बांधों में जमा पानी से मिला तो सैलाब आ गया। बारिश ने निर्णायक काम किया जिससे ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लाफ बना। ग्लाफ ने पनबिजली वाले बांध पर धक्का मारा और बांध में पहले से ही थोड़ा पानी जमा था। जब बांध टूटा तो जो पानी वहां जमा था वो भी बारिश और ग्लाफ के पानी में मिला, तो इससे धारा का असर और मजबूत हुआ। ये जलप्रपात जैसी विपत्ति का पक्का उदाहरण है। उफनती लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा थी। जगह जगह सड़कों और दूसरी चीजों के अलावा 14 पुल भी इसके आवेग में ध्वस्त हो गए। लोनाक झील हिमालय की कंचनजंगा चोटी के करीब है। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ग्लेशियरों का पिघलना तो दुनिया में सब जगह तेजी से हो रहा है, लेकिन हिमालय के इलाके में ये सबसे ज्यादा तेज है। भविष्य की कोई तस्वीर अच्छी नहीं है। सारे परिदृश्य, यहाँ तक कि सबसे उदार दिखने वाले परिदृश्य भी बता रहे हैं कि ग्लेशियल एरिया में नाटकीय कमी आएगी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ग्लेशियल लेक बनेंगे, झीलें बड़ी और ज़्यादा बड़ी होंगी और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की आशंका प्रबल होगी। एशिया हो, यूरोप या फिर कोई और जगह, बार बार ये कहानी दोहराई जा रही है। पर्यावरण से जुड़ी एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही हैं। विकास के नाम पर पहाड़ों में किए जा रहे अंधाधुंध निर्माण ने कई समुदायों का जीवन संकट में डाल दिया है। मूल कारण है जलवायु परिवर्तन और ये भविष्य में बढ़ने जा रहा है। हालांकि इंसानों से प्रेरित और इंसानों की बनाई समस्याएं भी हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह का विकास पर्वतीय इलाकों में हम लोग कर रहे हैं या इंसान कर रहा है, हम पहाड़ों में क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत सावधान रहना होगा। जलवायु विज्ञानियों के मुताबिक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। दुनिया भर के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में तो ये दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ अगर सुरक्षित ना रहे तो ऐसी तबाही दुनिया के कुछ और इलाकों का नक्शा बिगाड़ेगी।